उनके सौजन्य से जो आयुष्मान कार्ड का आयोजन किया गया है यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के कुछ रिक्शा ड्राइवर के लिए, ताकि उनको मेडिक्लेम के लिए आयुष्मान कार्ड का बहुत उपयोगी है। तो आज हमारे निखिल भाई ने हमको बहुत सहयोग किया है इस चीज़ के लिए, हम तहे दिल से उनका आभार मानते हैं। और आज जनता के लिए जो पहली बार एक बांध पर कैंप रखा गया है ये आयुष्मान कार्ड का, और ये फ्री सेवा है, इसमें किसी प्रकार का कुछ चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को इसी तरह निखिल भाई हमेशा उनके साथ में खड़े रहे और उनको सहयोग करते रहे, बस ये हमारा निवेदन है निखिल भाई से। और इस कार्ड से क्या फ़ायदा होने वाला है? इस कार्ड से फ़ायदा ये है, जैसे कि देखो किसी को वक्त बोल के नहीं आता है, जैसा कि कोई इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अगर उनका खर्चा अगर ज़्यादा हो रहा है तो आम पब्लिक के पास है कि जो तुरंत पैसा अरेंजमेंट नहीं होता है, तो ये कार्ड से जो सरकार ने सुविधा निकाला है तो उससे फ़ायदा होगा। चाहे कोकला बैन ले लो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें कहा जाता है कि कोटा होता है गरीब आदमी के लिए, गरीब को घुसने नहीं दिया जाता अंदर। अगर गरीब पहुंच गया गलती से, लाख रुपया बिल हो गया, तो डेड बॉडी रखते हैं वो, बोले पैसे जमा कराओगे से एक नहीं हज़ारों केस हो चुके। क्या है देखिए, अपने जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो डरते हैं हर चीज़ के लिए, आगे जाने के लिए हर चीज़ के लिए सुविधा बनाई गई है, हर हॉस्पिटल में हर कैटेगरी के हिसाब से सुविधा रखी गई है, तो उसका जो उपयोग करने को आना चाहिए। आज जो सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम निकालती है तो मिडिल क्लास लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते। तो आज मैं सबसे एक निवेदन रखता हूँ सबके सामने कि कृपया करके जो भी कोई सरकार की स्कीम आती है उसका तुरंत आप उपयोग कीजिए, और नहीं हो रहा है तो उसके आगे आपको रास्ता है, मीडिया है, हर चीज़ है, तो आप उनसे फाइट कीजिए। हर हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी होती है, गरीब के लिए भी रहता है बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन ये वो चीज़ छुपाई जाती है, कहीं बोर्ड नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कि चीज़ सार्वजनिक हो और बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि एक गरीब आदमी का भी इलाज हो सकता है। तो देखिए ये काम जो कैसा है, ये काम सरकार का है कि हर एक हॉस्पिटल में जाके इसका निवारण होना चाहिए कि भाई जो आज जो गरीब एडमिट हो रहा है तो उनको सही तरह से उपचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, गरीब जो है उसको कभी देखो बीएमसी में भी कोर्ट नहीं मिलता है, आज अपने बाबा हॉस्पिटल जाओ या कोई भी कूपन में जाओ, देखो गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उसके लिए कोई निवारण नहीं है। तो ये सब चीज़ पे हम सरकार से निवेदन रखते हैं कि ये सब चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए, ताकि कोई गरीब बेचारा जब जाओ हॉस्पिटल में जाए तो उनको भागदौड़ ना करना चाहिए, हर जो उसको स्कीम है सरकार की उनको उपयोग होना चाहिए। रिक्शा स्टैंड है गजरबन चालक मालक रिक्शा सेना का, तो यहाँ पे हमारे लिए आज तक कोई नहीं इधर खड़ा हुआ, ये पहली बार जो निखिल भाई है उन्होंने हमको ये सहयोग किया कि आप लोग के साथ में खड़ा है कि आप लोग को कार्ड बना के देता आयुष्मान कार्ड। तो हमारे सभी रिक्शा वाले भाइयों की तरफ से मैं उनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, और मैं निखिल भाई से बोलता हूँ कि हमारे पीछे हमेशा ऐसे ही खड़े रहिए, आपके साथ में हम भी रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और आप हमेशा हमको ऐसा सहयोग करते रहिए। इधर गजरबन की जनता भी आपको सपोर्ट करेगी जब आप इनको सहयोग करोगे तो, और मैं आपसे एक मेरा निवेदन है दोबारा कि आप लोग आप हमेशा ऐसे अच्छे कार्य करते रहे, हम आपके साथ में रहेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, जो हमारे रिक्शे वाले लोग हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिलती है तो उनको आज निखिल भाई की तरफ से मदद मिल रही है, तो वो कुछ काम करे, अच्छा ही करे हमारे लिए, रिक्शे वाले के लिए और पब्लिक जो है उनके लिए भी अच्छा काम कर रहा, और जो होता है अच्छा ही होता है।
क्या है आयुष्मान कार्ड, आपसे अगर मैं पूछता हूँ क्या है आयुष्मान कार्ड, क्या है जो बन रहा है अभी? ये पब्लिक सेवा के लिए है, जो जैसे हॉस्पिटल के लिए है, जहाँ आपको 5 लाख तक का उपचार मिलता है इसमें, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में रोकता है कोई जाने से, तो क्या निखिल को फोन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो जब हमारे लिए खड़े हैं तो हम उनके लिए फ़ोन करना हमारा फर्ज बनता है।